अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पहुँचे उत्तराखण्ड। उत्तराखण्ड पहुँचकर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के साथ राम मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा की। जिस दौरान डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बताया कि कैसे पिछले 40 वर्षों से राम मंदिर बनाने को लेकर हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था। लाखों करोड़ों कार सेवकों की मेहनत और अथक प्रयासों से ही ये संभव हो पाया कि अब हमारे सामने राम मंदिर बनकर तैयार है। जिस पर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि यह हम हिंदुओं के ही मेहनत का फल है जिससे हमें आज राम मंदिर मिल पाया है। उन्होंने इसके लिए सभी को बधाई प्रेषित की। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने के लिए अपनी बधाई प्रेषित की। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो रही है। वो उम्मीद करते हैं कि पूरे देश भर में इस बिल को जल्द ही लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस बिल में जातियों के हिसाब से अलग किए गए लोगों को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा, ट्रेडिशनल खुद एक अपने आप में लॉ होता है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा इसलिए हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने। भव्य राम मंदिर 500 वर्षों का संघर्ष, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा सहयोग, 8 लाख कार सेवकों का कार सेवा का शौर्य, 1 लाख से ज्यादा संतों का नेतृत्व और मूवमेंट मैनेजमेंट, अभियान मैनेजमेंट का मार्वेल था। कैसे? पहले राम मंदिर नहीं बना, अब क्यों बना? क्योंकि पूरा देश एक साथ लड़ा। पहले नहीं लड़ा, अब क्यों लड़ा? क्योंकि हमने 40 वर्षों में 12 बार करोड़ों लोगों के घरों में जाकर, लाखों गांव में जाकर हिंदुओं को जगाने का मास्टर प्लानिंग किया था। यह 12 जनजागरण की अभियान का सिर्फ नाम गिनाता हूं। 86 दो बार ताला खोलो, हर डिस्ट्रिक्ट में राम जानकी रथ यात्रा 3 लाख गांवों तक, 89 चार अभियान, 5 लाख गांवों में शिला पूजन, मंदिर किसी एक व्यक्ति से नहीं, हिंदू के 1.25 रुपया से 8 करोड़ घरों में जाकर 1.25 रुपया लिया। तीसरा, पहली बार चलो अयोध्या कार सेवा 89। चौथा, 9 नवंबर 89 हमने भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया, 86 में 2 बार, 89 में 4 बार, 90 में 7वीं बार कार सेवा, 92 में 8वीं बार कार सेवा जब बाबर का ढांचा ढहा, 92 के बाद 4 बार अभियान, राम ज्योति यात्रा अयोध्या की लाखों गांवों में, राम पाजुक का यात्रा लाखों गांवों में, करोड़ों लोगों के द्वारा राम नाम जाप और करोड़ों लोगों से हनुमान चालीसा, यह करके हमने 12 बार हिंदुओं को जगाया, करोड़ों लोगों को जोड़ा 1.25 रुपया लेकर रामशिला पूजन करवा के, और 8 लाख सुरवी कार सेवकों को 4 बार अयोध्या बुलाया, 89, 90, 92, 2018। हमने सफल मूवमेंट करने के लिए साधु संतों की एक नई रचना धर्म संसद खड़ी की। पहली 84 में टोटल 13 धर्म संसद, और धर्म संसद में 1 लाख से ज्यादा साधु संतों ने राम मंदिर का नेतृत्व किया। मानी साधु संतों को नेतृत्व करने के लिए भी हमने बहुत बड़ी धर्म संसद की रचना की, और इस समय राम मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, पत्थर का मंदिर 4 वर्षों में नहीं 25-30 वर्ष लगता है। 89 में 8 करोड़ हिंदुओं से हमें 1.25 रुपया के स्वरूप में 8 करोड़ 39 लाख रुपया मिला था। हम 90 से
भव्य मंदिर का पत्थर घड़ने का काम शुरू किया था। 32 वर्ष तक पत्थर की घड़ाई चलती रही। हमने 60,000 घन फीट पत्थर मंदिर बनाने के लिए तैयार किए और आज जो भव्य राम मंदिर बना है उसमें हिंदुओं के पसीने के 125 रुपया से 32 वर्ष तक घड़े हुए पत्थरों से बना है। मैं मूवमेंट के शुरुआत में 1984 जब 7 अक्टूबर सरयू के तट पर राम मंदिर का संकल्प लिया तब से जुड़ा और मुझे भी मेरे जीवन में पिछले 25 वर्ष घर बार डॉक्टरी छोड़कर एक शहर में 2 रात नहीं सोया हूँ। कल भी मैं 3 शहर में, परसों भी 3 शहर में, वह मेरी 32 वर्ष की हिंदुओं की जगाने की यात्रा करने का भगवान ने मुझे भी मौका दिया। ये मेरा भी जीवन का सौभाग्य है। आज उत्तराखंड सरकार समान नागरिक कानून असेंबली में ला रही है, कल कैबिनेट ने अप्रूव किया। मैं सरकार को अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि पूरे देश में तुरंत ऐसा ही समान नागरिक कानून बन जाए। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। क्या अमेरिका में 2 कानून है, इंग्लैंड में है? नहीं है, तो ये भारत में कैसे हो सकता है? मैं यहाँ की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि एक देश में 2 कानून समाप्त करने का आपने साहस किया है और पूरा देश में यह हो, यही हमारी विश्वास है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं NIU News India Update।